मैगी का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि अब गोल्डी मसाले जैसे प्रोडक्ट का नमूना भी फेल हो गया है। बड़े ब्रांड एक के बाद एक जांच में लगातार फेल हो रहे हैं। बाजार में मिलने वाले खाद्य पदार्थों की एक तरफ कीमत आसमान छू रही है, वहीं दूसरी तरफ बाजार में मिलने वाला कोई भी सामान खरीद भी लिया जाए तो वो जानलेवा साबित हो रहा है। इलाहाबाद में गोल्डी मसाले में सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा मिलने की खबर पर FDA ने पिछले दिनों गोल्डी मीट मसाले का नमूना लिया था और अब जांच रिपोर्ट आई तो यह बड़ा खुलासा सामने आया। गोल्डी मीट मसाला करी पाउडर का एक सैंपल हमारे यहाँ भरा गया था, उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा पाई गई है। सोडियम क्लोराइड की मात्रा 5% से कम होनी चाहिए, लेकिन 5% ज़्यादा पाई गई है, तो वह सब स्टैंडर्ड की श्रेणी में है और उसके लिए हम लोग ने नोटिस भेजा है, गोल्डी मसाले को भेजा है और जहाँ से खाद कारोबार करता लिया गया उसको भी नोटिस भेजी गई है। नोटिस आने के बाद, जवाब आने के बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अभी तो एक ही दुकान से लिया गया था, अब उनको नोटिस भेजा गया है, नोटिस में क्या जवाब देते हैं उसके उन लोग वहाँ की कार्रवाई करेंगे। हानिकारक की बात नहीं इसमें, चूँकि हमारा एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड से एक लाइन है, उस लाइन को जैसे क्रॉस करते हैं हमारा सब स्टैंडर्ड में आ जाता है। तो सोडियम क्लोराइड की मात्रा सोडियम क्लोराइड खाया भी जाता है, लेकिन एक 5% मात्रा ही उसकी वैलिड है, उससे ज़्यादा है तो फिर वो सब स्टैंडर्ड के श्रेणी में आता है। और बड़ी कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि जो मानक है उसका पूरा ध्यान रखें,